अस्सलाम वालेकुम। ये हम आए हैं सिस्टर के घर। ये मेरी सिस्टर का किचन है। फ्रिज के ऊपर अचार वगैरह और मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मैंने कहा ज़रा सा आपको दिखा दूँ। इसकी लुक थोड़ी सी आए हैं तो हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दें आपको। और आज हम आए हैं एक ख़ास मौके पर। ये है बैंगन का भरता बना हुआ, और ये सिस्टर है मेरी, तो ये है अचार लेमन का और नींबू और सब्ज मिर्च का। तो अचार है यहाँ बना के रखे हुए हैं। ये तवे के नीचे आग जल पड़ी है और हम स्टार्ट करने लगे हैं अपनी रेसिपी, जो कि आज खास तौर पर बन रही है। आज का डिनर बहुत ही खास है। यहाँ कुकिंग रेंज था जो आजकल निकाला हुआ है, इसकी एक रीज़न है। तो ये चिकन है, चिकन थाइस का है ये, जिसे कट कर लिया गया है और मैरिनेट भी कर दिया गया है। तो इसको मैरिनेट करके तो फ्रिज में रख दिया गया था, सिस्टर ने इसको मैरिनेट किया था। और ये बन रहा है आज तवा चिकन विद सिराचा सॉस। तो अब इसके अंदर जो पहले से ही मैरिनेट हुआ हुआ था उसमें बटर ऐड किया गया है। वैसे इसमें जो भी मैरिनेशन थी वो कर दी गई थी, और नमक वगैरह भी ऐड कर दिया गया था ताकि सब चीज़ें इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो मक्खन के साथ थोड़ा सा ऑयल भी इसमें डाला गया। तवा चिकन बन रहा है, ये सिस्टर की रेसिपी है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया गया मक्खन और ऑयल को। इधर दूसरे चूल्हे पे हमने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया गया। ये इसको ढक दिया गया था 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको ढक्कन उतार के हिला लिया गया है। थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करना है। जब इसका पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी ऐड की जाएंगी। थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं, पहले भी डाला गया है लेकिन अभी दोबारा थोड़ा सा इंक्लूड कर दिया गया, और क्योंकि पहले हाफ टेबल स्पून लगाया गया था। ये 1 kg चिकन था, थाइस का ये सारा चिकन था। अब इसमें टमाटर जो कि छील लिए गए हैं और इनको बारीक बारीक गोल गोल काट लिया गया है, वो ऐड कर दिए गए हैं इसके अंदर। और अब इसके अंदर सिराचा सॉस ऐड कर दी गई है। ये दूसरे चूल्हे पे इसमें समोसे जो मेरी सिस्टर ने खुद भी बनाए हैं, बहुत अच्छे बनाती है, मज़े के समोसे। ये चिकन के कीमे के समोसे हैं जो कि यहाँ बन रहे हैं। और ये इसको थोड़ी देर रख दिया गया ताकि इसमें टमाटर जो है वो अच्छी तरह घुल मिल जाए, और सब्ज मिर्चें भी 2-3 काट दी गई। तो अब इसके अंदर लीमू ऐड कर रहे हैं। तवा चिकन में लेमन डाला जा रहा है
मजे की डिश बन रही है ये, बहुत ही मजे की, माशाल्लाह। नींबू डाल दिया गया है और ये समोसे हमारे फ्राई हो रहे हैं इधर, मजे के समोसे, यमी यमी से। और अब इसमें 1 चम्मच काली मिर्चें घर की पिसी हुई डाल दी गई हैं, और इसको अच्छी तरह हिला लिया गया है। और इसमें ये रिंग वाले प्याज जो से हैं गोल गोल उन्हें काट के लच्छेदार, तो वो ऐड कर दिए गए हैं इसके अंदर। और धनिया, सब्ज मिर्चें, ये हमारा तवा चिकन जो सा है रेडी होने के लिए तैयार है। तो ये बन रहा है मजे मजे का तवा चिकन विद सिराचा सॉस। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह। ऐसे ही ये बहुत ही मजेदार भी बना हुआ है। ग्रीन चिलीज भी इसके ऊपर काट दी गई है, ग्रीन ग्रीन धनिया, खूबसूरत सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया गया है, खूबसूरत। और ये पार्टी की तैयारी हो रही है, पार्टी हमारी ऑन होने वाली है, बस चीजों के बनने की देर है और केक के आने की देर है। 2-3 रोटियां भी जल्दी जल्दी डाल ली गई। ताकि अगर किसी ने रोटी भी खानी है तो वो खा सकता है। तो ये बन रहे हैं नगेट्स, चिकन नगेट्स। और इधर बन रहे हैं समोसे, चिकन समोसे। और इसके मैरिनेशन करके रख दी गई थी, अब इसे ब्रेड क्रम्स में से लगा के बाहर रखा जा रहा है। जल्दी जल्दी मजे मजे के अब ये मेरी सिस्टर डाल रही है, इसको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद मजे मजे के नगेट्स तैयार हो जाएंगे और फिर हम मजे मजे के खाएंगे। और ये है आज बर्थडे, यहिया की हैप्पी बर्थडे है। या कि प्यारे प्यारा केक है, या जैसा ही है गप्पू गप्पू सा। और ये चीजें हमारे नगेट्स और बैंगन का भरता है, ये समोसे हैं, ये रेडी हो चुके हैं। और यहिया भी रेडी हो चुका है केक काटने के लिए। ये यहिया के बाबा आ गए हैं उसके पास, और ये यहिया की सिस्टर्स ने उसका खूबसूरत सा अरेंज किया है, बैलून्स और लाइट्स। और यह की अम्मा भी आ गई हैं, और अब यह की बर्थडे की कैंडल भी हमने ऑन कर दी है। ये अदनान ऑन कर रहे हैं इसे ऑन ही हुई ना, तो ये अब हम या इंतजार कर रहे हैं कि कब वो केक काटे और कब हम ये यमी यमी सा केक जल्दी जल्दी से फिनिश कर लें बस। या फिर हमने उसको विश किया हैप्पी बर्थडे टू यू या, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी और नेक बनाए, आमीन। और यहाँ केक काट चुका है और अपनी कैंडल को वो बुझाना भूल गया था। और ये मेरी प्लेट थी, और हम टेबल पे आ चुके हैं, केक भी मैं अपने साथ ले आई हूँ और समोसा भी मेरी प्लेट में मौजूद है। ये तवा चिकन भी हमारा आ चुका है,
रेडी टू ईट है, बहुत ही मज़े का बना है माशाल्लाह। आप लोग भी ट्राई करें, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसकी रेसिपी दूंगी। सब खाने पीने में मसरूफ हैं, पार्टी उड़ा रहे हैं, बहुत मज़े का सब कुछ बना है, नगेट्स भी, समोसे भी। और ये सिस्टर है मेरी और ये अदनान है, जो आपस में खा रहे हैं मिलाकर, खुश हैं सब माशाल्लाह। मज़ा आया बहुत ज़्यादा, हमने एंजॉय किया। अल्लाह ताला खुला रिस्क दे इन्हें भी। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।